ऑलराइट फोक्स, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च में। हम बात कर रहे हैं आज इंडस्ट्री एनालिसिस की। राइट, हमने कंपनी एनालिसिस कर लिया, इंडस्ट्री एनालिसिस आज हम करेंगे। राइट, इस कोर्स में मैं इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं कराने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंटरमीडिएट लेवल बिजनेस एनालिसिस के लिए आपको इतना इकोनॉमिक में घुसने की जरूरत है। प्लस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें इतना इफेक्ट नहीं करते ओवर द लॉन्ग रन। अगर हमारी कंपनी की रिसर्च अच्छी है तो आप अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी हम इकोनॉमी पे बात करेंगे दूसरी वीडियोस में। अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्री रिपोर्ट, इंडस्ट्री एनालिसिस पे। राइट, इस पूरे सेशन को मैं दो से तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इंडस्ट्री एनालिसिस क्यों जरूरी होता है। राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। राइट, कि क्यों इंडस्ट्री एनालिसिस करना जरूरी है। प्लस आप माइकल पॉर्टर साहब की हेल्प से कैसे इंडस्ट्री एनालिसिस को कर सकते हो। हमने पिछली वीडियो में उनके बारे में एक बात की थी, बुक के बारे में बात की थी। बुक का नाम था कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। राइट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी अर्न नहीं कर रहे, मेरे मैं जानता हूँ, इस बुक को वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे पास इस बुक की ई बुक है। राइट, अगर आपको ई बुक चाहिए तो नीचे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, आप मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक तो माइकल पॉटर साहब के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और इंडस्ट्री एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, और जो तीसरा हम बात करेंगे वो है रिसोर्सेस। राइट, कि इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि स्क्रीनर में तो हमें स्क्रीनर चला सकते हैं, हम स्क्रीन डाल सकते हैं, कंपनी डेटा मिल सकता है। राइट, लेकिन इंडस्ट्री डेटा कहाँ से मिलेगा। सो इंडस्ट्री डेटा बिकम सुपर इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं। राइट, एंड वन मोर थिंग फोक्स, अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर देना हमें, अगर हमें मुझे आपने लिंकडिन पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, देना हाईली हाई हाईली रिकमेंड यू कि मुझे लिंकडिन पे रिक्वेस्ट भेजिए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक कनेक्ट का बटन आएगा। राइट, व्हेन यू क्लिक ऑन इट मेरे को रिक्वेस्ट आ जाएगी और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। राइट, मैं 15,000 पे पहुँचने वाला हूँ आप सबके दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इंडस्ट्री एनालिसिस। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडस्ट्री एनालिसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है। राइट, क्योंकि देखिए अगर मैं पिछले सेशन की कुछ बात करूं, हमने काफ़ी सारी कंपनीज देखी। राइट, हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज अच्छी होती है, कौन कौन सी बेकार होती है, रिपोर्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। राइट, हम ITC के बारे में बात कर रहे थे। राइट, सो अब देखिए आप ITC चल रही है 428 के प्राइस पे। राइट, किस प्राइस पे चल रही है, 428 पे। राइट, वैल्यूएशन क्या है, 26.5 का PE है। प्राइस टू अर्निंग्स 26:5 का। राइट, 26.5 का PE रेशियो है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ये जो 428 प्राइस है, ये इतना ज़्यादा हाई क्यों है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, कि अगर 26 का PE मार्केट ITC को दे रहा है। आई वॉन्ट टू नो कि ऐसा क्या है कंपनी में, ऐसे क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। राइट, सो मोट का पूरा जो आइडिया है आपका वो ये है कि किसी भी कंपनी पर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, राइट, तो वो क्या है और वो सस्टेनेबल है या नहीं, आने वाले कुछ सालों में वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। राइट, अगर मैं आज की 0.0 की बात करूँ, 0.5 पे आते आते कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा नीचे। राइट, तो पूरा ये जो एनालिसिस है इसको हम बोलते हैं मोट एनालिसिस, कि हम मोट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। राइट, सो ये था हमारा मोट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए अब इसमें डीपली डाइव करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। या राइट, मोट माने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि ऐसा क्या है आप में। राइट, कुछ लोगों के पास होते हैं भाई कि ज़्यादा अच्छा दिमाग है, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे जाऊँ। राइट, कुछ के पास होता है कि बहुत बड़े कॉलेज से डिग्री है, IIT की डिग्री है, IIM की डिग्री है। राइट, सो इनको अच्छी जॉब मिल जाती है, सो दिस क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देम इन द रेलम ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इक्विटी रिसर्च। हमारा काम एज एन एनालिस्ट ये है कि हमें कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जानना है, कि वॉट मेक्स अ कंपनी स्पेशल, कि भाई अगर एक पूरे पूल में, राइट, ये पूरा मान लीजिए FMCG का पूल है, राइट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें ITC है, HUL है, ब्रिटानिया है, डाबर है, सो मेरे को ये जानना है इन चारों में से सबसे अच्छा एडवांटेज किसके पास है, ताकि वो हाई ROC जनरेट कर पाए।
और अगर आपको आरओसी नहीं पता देन आई हाईली रिकमेंड यू कि आप रेशियो एनालिसिस वाला वीडियो देखें हमारा, उसे मैंने सब एक्सप्लेन करा है। इसमें मैं बिल्कुल भी स्क्रैच से नहीं शुरू करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। सो अ मोट इज एनीथिंग, कुछ भी ऐसा चीज जो कंपनी को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट। किसी भी इंडस्ट्री में अगर मेरे पास कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है सो मेरे को वो कहलाता है मोट। देखिए जो मोट का आइडिया है ना वो कहाँ से आता है, पहले के टाइम में क्या होता था ना, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे चित्र को देखिए ध्यान से, आपको पता लगेगा। ये देखिए ये किला है, राइट, ये किला है यहाँ पे, और इसके चारों तरफ देखिए पानी है, राइट। पहले के टाइम पे तो राजा महाराजा के किला होते थे, राइट, कैसल्स वगैरह होते थे। सो कैसल्स के अराउंड पानी भर देते थे, और इस पानी के अंदर क्रोकोडाइल्स होते थे और पिरानस मछली वगैरह होती थी, बहुत खतरनाक वाली, राइट। सो बेसिकली इसमें क्रोकोडाइल डाल के वो ये कर देते कि अपने कैसल को प्रोटेक्ट कर सके, किससे, बाहर के एनिमी से, राइट। कि अगर कोई भी एनिमी यहाँ से अटैक करेगा इन पे, इस पूरे एरिया से अटैक करेगा, वो पहले ही पानी में गिर के मर जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर क्रोकोडाइल्स वगैरह है, राइट। सो ये आइडिया है मोट का, राइट। सो दिस इज वॉट मोट इज, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा टूल, नो हाउ, जो आपके बिजनेस को बचाएगा ओवर द लॉन्ग रन, उसको हम बोलते हैं मोट, राइट, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। दूसरा नाम इसका ड्यूरेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोट माने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये मैंने एक्सप्लेन करा आपको, राइट। अ कंपनी कैन हैव सेवरल बेनिफिट्स ओवर इट्स राइवल्स, की काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं ओवर इट्स राइवल्स, दैट मेक्स देम इंसुलेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, राइट। जैसा कि मैंने बताया, अगर एक कंपनी आरओसी 30% का अर्न कर रही है, राइट, सो बाकी के जो प्लेयर्स होंगे ना वो बोलेंगे यार 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल मिल रहा है, हम भी आ जाते हैं इंडस्ट्री में। लेकिन अगर कंपनी के पास कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है सो वो बाकी प्लेयर्स को आगे बढ़ने नहीं देगी। बाकी के प्लेयर्स, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी 30% अर्न नहीं कर पाएंगे, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि किसी भी कंपनी के पास भाई ऐसा क्या खास है कि वो अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट, कि क्या चीज है ऐसी कि वो अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बाहर की इकोनॉमिक फोर्सेस से अटैक होने से बचा रहा है। हमने इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही सिंपल लॉ पढ़ा था कि इफ एनी पर्टिकुलर कंपनी इज अर्निंग हाई रिटर्न ऑन कैपिटल देन द आउटसाइड कॉम्पिटिशन विल कम इन एंड ड्राइव डाउन द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वेयर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर अर्निंग जस्ट अबव द प्रॉफिट, की जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट के बराबर ही हो जाएगा, कि कोई भी अब नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वी लर्न इन इकोनॉमिक्स, राइट। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी हल्की हल्की सी हट जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो ड्यूरेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बिल्ड कर सकती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल एग्जाम्पल कंपनी का, एप्पल इंक, राइट। हम सभी जानते हैं कि एप्पल एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, और हमेशा ये जंग चलती रहती है कि एंड्रॉयड बेटर है या आईओएस बेटर है। इवन मैं मैक में अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो एप्पल ने अपना एक ऐसा बना लिया है कि भाई अपना तो अलग ही गेम है, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोट, राइट। मिस्टर बफेट साहब क्या कहते हैं मोट पे? फॉर मिस्टर बफेट मोट इज एवरीथिंग, कि वो बिना मोट देखे तो इन्वेस्ट करते नहीं है। इवन बफेट साहब ने 2016 में एप्पल में इन्वेस्ट किया था, राइट। इवन तो मिस्टर बफेट 1950 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो एप्पल का आईपीओ था वो 1977 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1977 या 78 में आया था। पूरे टाइम इन्होंने एप्पल को देखा 1977 से लेकर के 2016 तक, और 2016 में जाके इन्होंने भयंकर वे में एप्पल को खरीदा, राइट। शुरू में इन्होंने कुछ ही $1 बिलियन लगाए थे अपने, लेकिन आज मिस्टर बफेट की जो एप्पल में इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड $100 बिलियन से भी ज्यादा है। जी हाँ, ये $100 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं एप्पल एप्पल में, और ये इनके पूरे पोर्टफोलियो पर अराउंड 25% है। हम बोलते हैं ना कि मतलब डाइवर्सिफाई करो, लेकिन मिस्टर बफेट ने अब डाइवर्सिफाई करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। एंड वंस अगेन, ये डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके पास मोट है, वो 77 से लेके 2016 तक वेल्थ क्रिएट कर सकती है। मिस्टर बफेट ने 77 में नहीं करा, 90s में नहीं करा, 2000 में नहीं करा, 2016 में जाके उन्होंने एप्पल में करा, और अब तक वो 5 बैगर रिटर्न उन्हें देख चुकी है। उन्होंने $20 बिलियन कुछ इन्वेस्ट किया था, अभी वो $100 बिलियन हो चुके हैं 7-8 साल में। सो इट वॉज अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट फॉर
बर्कशायर हैथवे, और इनको डिविडेंड्स इतने मिलते हैं कि बस पूछो ही मत। सो इनके लिए मोट खर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में बहुत ज़्यादा मिश्रण करें, बहुत सारा चेंजेस करें, बहुत तरीके से इवॉल्व हुई है, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा देखा है जो कॉमन रही है कि ये मोट के ऊपर हमेशा फोकस रहते हैं कि कंपनी के पास कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कि ऐसा क्या है कंपनी पे जो उसको खास बनाता है। द मोट इज एवरीथिंग फॉर मिस्टर बफेट इन अ बिजनेस बिकॉज ही इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 10 to 15 ईयर। यहाँ पे देखिए मिस्टर बफेट का होराइजन बहुत ज्यादा लंबा है, उनका होल्डिंग पीरियड इज लाइक फॉर एवर, राइट? हमारा नहीं है लेकिन फिर भी हम सीखेंगे। एंड ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट द कंपनी स्टेज इंसुलेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, राइट? इवन मिस्टर बफेट की अगर आप यूट्यूब पे ही जाके वीडियो देखोगे काफी सारी मोट के ऊपर, तो वो बोलेंगे कि हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो कि कॉम्पिटिशन से इंसुलेटेड रहे, कि कॉम्पिटिशन से व्हाट द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस विल लुक लाइक 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि कंपनी कहीं सस्टेन ना कर पाए, कंपनी कहीं अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाने की क्षमता खो ना दे। सो लेट्स लुक एट सम कंपनी दैट हैव रियल लाइफ मूड्स, राइट? अब हम देखने का है कुछ ऐसी कंपनी जिनका रियल लाइफ मूड्स है, राइट? एंड वंस अगेन किसी भी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ फोक्स, वो कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, नन ऑफ द कंपनीज आर एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। सिर्फ लर्निंग के खासियत से हम ये कर रहे हैं, राइट? नन ऑफ द कंपनीज आर एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, राइट? किसी भी कंपनी के बारे में बात करो, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मत लेना, ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग, राइट? सबसे पहले तो आईटीसी की बात करते हैं, हमारी जो मेन कंपनी है जिसके ऊपर हम मॉडल बना रहे हैं, आईटीसी लिमिटेड। इट हैज अ मोट, वो मोट क्या है, वो लिटरली एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है किस इंडस्ट्री में, एफएमसीजी में, राइट? एफएमसीजी में इनका ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग है, ब्रांड रिकॉल इतना स्ट्रांग है कि हमें आदत लग चुकी है एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में आईटीसी का नाम तो आता ही आता है, राइट? और इनका पेपर बोर्ड्स और स्टेशनरी का जो बिजनेस है, पेपर बोर्ड एंड स्टेशनरी का बिजनेस, क्लासमेट, देखिए सारे स्कूल के बच्चे जानते हैं क्लासमेट कौन सा ब्रांड है, राइट? आईटीसी बनाता है। सो ब्रांड रिकॉल देखिए, आपके दिमाग में पता है कि क्लासमेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, राइट? हमने क्लासमेट की कॉपीज यूज की है, क्लासमेट का पेन, ऑक्टेन पेन हमने यूज किया हुआ है, राइट? सो दिस बिकम्स अ वेरी कॉमन सेंस। ज्यादा इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है हमें मोट समझने के लिए, अगर आप बहुत ही कॉमन सेंस यूज, आप कंपनी में पकड़ लोगे मोट क्या है, राइट? सो ये देखिए कि कंपनी के पास इतना स्ट्रांग मोट है, कि इतना तगड़ा ब्रांड रिकॉल है कि कोई नया प्लेयर आने के बारे में सोच भी नहीं सकता आईटीसी के एरिया में, राइट? और दूसरा, इनका अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो देखोगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ब्रिटानिया के भी बहुत स्ट्रांग है, अभी हम देखेंगे, राइट? सो ये सब मुझे कैसे पता, क्रेडिट रिपोर्ट्स पढ़ के पता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के पता है, ये सब चीज़ें इन्हीं से पता लगती है, राइट? चलिए आगे चलते हैं, लेट मी सी, मैं आपको दिखाता हूँ उनके फाइनेंशियल्स। प्रॉफिट एंड लॉस पे आइए, सेगमेंट वाइज देखिए, देखिए ग्रोथ देखिए बिजनेस में, सिगरेट बिजनेस में। यहाँ पे आप बोलोगे कि यार मेरे में सेगमेंट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनर का पेड वर्जन है, साल का 5,000 लेते हैं स्क्रीनर पेड वर्जन में। अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यू है, देन आई हाईली रिकमेंड यू टू टू यूज इट, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप, सिगरेट है, एफएमसीजी का बिजनेस है आपका, चिप्स वगैरह, एग्री बिजनेस है, पेपर बोर्ड्स, होटल्स एंड अदर्स, राइट? यहाँ पे ग्रोथ देखिए आप, 20% ग्रोथ है सिगरेट्स में, 20% ग्रोथ है एफएमसीजी में, एग्री बिजनेस ग्रोथ थोड़ा खराब है, कम हुई है 12%, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग की ग्रोथ देखिए आप, 19%, 36%। ये देखिए पिछले 2 साल में, सॉरी, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रीजन ये भी है कि कंपनी की जो ग्रोथ है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वो भर भर कर आई है किसमें, एक तो आई आपकी पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग में, और सिगरेट की ग्रोथ बहुत तगड़ी हुई है आईटीसी की, 16% और 20%, क्योंकि आप देखिए एफएमसीजी का तो 26, 15, 11, 8, 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 काफी साल से म्यूटेड ग्रोथ थी, लेकिन ग्रोथ हुई है 2022 से 2023 तक, राइट? सो ये जो ग्रोथ का फेज आया आईटीसी का, इसको आप कंपेयर कीजिए किससे, आईटीसी के स्टॉक चार्ट से,
राइट, पिछले 3 साल का स्टॉक चार्ट देखिए। सो देखिए, मार्च 2022 से लेकर के 225 पे था, सीधा 500 तक गया स्टॉक, या 490 तक गया है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट। आप देख सकते हो। सो ये जो ग्रोथ दिख रही है मुझे, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपके बिजनेस की ग्रोथ से, राइट। सो यहाँ पे हमें एक और चीज लगता है, पता लग जाता है कि स्टॉक प्राइस फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, राइट। कि अगर आपकी किसी भी सेगमेंट की तगड़ी ग्रोथ आ रही है और आईटीसी का रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं किसी भी स्टॉक के, सो स्टॉक प्राइस विल फॉलो, राइट। कि अगर ग्रोथ ही म्यूटेड है, इफ योर ग्रोथ इज म्यूटेड, देन स्टॉक प्राइस विल नॉट एक्ट मच, राइट। मोटा मोटा आपका यही है, सिंपल सा यही इक्विटी रिसर्च है कि आपको अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैक करनी है कंपनी की और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देखना है, राइट। दूसरी कंपनी को देखते हैं, ब्रिटानिया। मैं एफएमसीजी पे ही जाता हूँ क्योंकि हम एक एफएमसीजी कंपनी कर रहे हैं, तो बाकी कंपनियों पे भी करेंगे, लेकिन अभी वो बाद में करेंगे। सो देखिए, एफएमसीजी में जब आप पढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज की योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्ले अ रोल। आप किस तरीके से अपना माल पहुंचाते हो दुकानों तक, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्ले अ रोल। सो ब्रिटानिया में जो मोटा है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। आप ब्रिटानिया की ब्रेड लेने किसी गांव में चले जाओ, दूर दराज की दुकानों में चले जाओ, छोटी से छोटी दुकान में, बड़े से बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, यू विल फाइंड ब्रिटानिया के प्रोडक्ट जरूर, राइट। सो बहुत कॉमन सेंस यूज करो, अपने आसपास देखो वो क्या रहा है। एचयूएल के केस में भी आप देख लोगे, राइट। शैम्पू, डव शैम्पू, ये वो, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, हर एक की दुकान में मिलेंगे, राइट। इनकी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग है, राइट, कि अगर कल को मैंने 100 करोड़ रुपए लगा के भी इनका बिजनेस हटाने की कोशिश करी, नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि ये सप्लाई चेन को मास्टर कर चुके हैं, एंड दिस क्रिएट्स अ मोट, दिस क्रिएट्स अ ह्यूज स्ट्रांग मोट फॉर देम, राइट। आप इनका पूरा बिजनेस पढ़ना, यू विल रियलाइज कि दे डू हैव अ मोट, एंड वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। चलिए आगे चलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे पॉटर के 5 फोर्सेस एनालिसिस के बारे में, राइट। कि कंपनी अपना स्ट्रेटेजी के क्या कंपटीशन को कैसे भेज सकती है। सबसे पहले आपका कॉस्ट लीडरशिप, लेट मी जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले आपका कॉस्ट लीडरशिप, फिर आपका डिफरेंशिएशन, फिर कॉस्ट फोकस, फिर डिफरेंशिएशन फोकस, राइट। देखिए, कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, यू ट्राई टू क्रिएट लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। बहुत ही कॉमन सेंस है, आपको ज्यादा डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स वोर्स करने की जरूरत नहीं है समझने के लिए। पॉटर साहब ने इतने सिंपल से इतनी बुक में कॉम्पिटिव स्ट्रैटेजी में डाल दिया, और कॉम्पिटिव स्ट्रैटेजी की ई बुक मेरे से ले लेना, मेरे पास ई बुक है। मैं आप नीचे लेकिन कमेंट जरूर करना, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, देन इट मीन्स कि भाई आप सही में सीखने आए हो, रादर देन की मजे लेने आए हो। सो नीचे कॉमेंट कर देना कि पीयूष सेंड मी द बुक एंड आई विल सेंड इट टू यू थ्रू अ ड्राइव लिंक, राइट। सो कॉस्ट लीडरशिप मुझे ये बताती है कि भाई मैं लोअर कॉस्ट बनाऊंगा। मार्केट अगर एक सेम चीज 3 रुपए की बना रहा है, मैं उसको कोशिश करूंगा 1.5 रुपए में या 2 रुपए में बनाने की, राइट। दिस इज द थिंग अबाउट कॉस्ट लीडरशिप, राइट। कि मोटा मोटा मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप ले रहा हूँ कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, राइट। और ये कंपनी कैसे करती है, कहाँ से पता लगेगा, कंपनी के एमडीएनए में। एमडीएनए क्या होता है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एनुअल रिपोर्ट वाली वीडियो जाके देखो, राइट। फिर आता है आपका डिफरेंशिएशन, बहुत ही कॉमन सेंस एग्जाम्पल, वंस अगेन कॉमन सेंस ज्यादा यूज करनी है हमें, एप्पल इंक, राइट। अपने आप को पूरा मार्केट से अलग करके रखा हुआ है, राइट। एंड्रॉयड के साथ नहीं लड़ना, इन्होंने बोल दिया भाई हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता एंड्रॉयड कर क्या रहा है, हम अपना आईओएस अलग से चलाएंगे, एंड दिस क्रिएट्स अ ह्यूज ह्यूज एडवांटेज फॉर देम, राइट। दे आर लाइक वे हायर ओवर देयर। सो एप्पल इंक ने यही किया, दे स्टार्टेड अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। उनकी स्ट्रैटेजी ही ये थी कि भाई हम कॉस्ट पे फोकस नहीं करेंगे, लेट द कॉस्ट रन हाई, हम अपना यूआई और यूएक्स इतना अच्छा बनाएंगे, डेटा प्रिवेसी देंगे कस्टमर को, डिजाइन इतना अच्छा बनाएंगे प्रोडक्ट का और इंटरफेस का कि कस्टमर खुद चल के आएगा। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी फॉर एप्पल इंक, राइट। डिफरेंशिएशन फोकस में ये आपका, योर फोकस इज ऑन डिफरेंशिएशन, एंड कॉस्ट फोकस आपका बहुत ही नैरोली रहता है कि सिर्फ कॉस्ट पे ही फोकस करेंगे, और डिफरेंशिएशन में आपका सिर्फ केवल डिफरेंशिएशन फोकस रहता है। ये वाला पार्ट है आपका ब्रॉड, एंड ये वाला पार्ट है आपका नैरो। सो दीज आर द फोर
स्ट्रैटेजीज थ्रू विच कंपनीज कैन डू देयर बिजनेस, राइट। इसको डेप्थ में समझने के लिए मैं इस पूरी वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि 500 पेज की बुक है, पॉटर साहब की वो पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी करा हुआ है डिफरेंशिएशन, डेप्थ में नहीं जाएंगे। लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन फोकस, कंपनीज ट्राई टू फोकस बीइंग अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन अ नीश मार्केट एंड नॉट इन अ ब्रॉडर मार्केट। कंपनीज हे ट्राई टू स्टे इन अ नीश मार्केट। सो ये दो चीजें आपकी नीश में है, ये दो चीजें आपकी ब्रॉडर है। चलो बढ़िया। सो पीपीटी भी मैं आपको भेज दूंगा, और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है देन आई हाईली रेकमेंड यू टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ऑल राइट, सो फाइव फोर्स एनालिसिस इस दुनिया का सबसे फेमस फ्रेमवर्क फॉर फाइव फोर्स फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में ना पांच चीजें होती हैं, देर आर फाइव एलिमेंट्स बोलूंगा मैं, राइट। मैं फोर्सेस नहीं बोलूंगा, एलिमेंट्स बोलूंगा, दैट अफेक्ट्स इट, अफेक्ट्स एनी इंडस्ट्री, राइट। कि पांच ऐसे तत्व हैं, पांच ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती समझ जाओगे नाम से, कि राइवलरी उन लोगों के बीच में जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट अज्यूमिंग कि कोई नया प्लेयर आया, हम ये देख रहे हैं कि भाई जो अभी जो प्लेयर चल रहा है, कि अगर 10 प्लेयर हैं एक इंडस्ट्री में सेम बिजनेस में कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री में सेम लेवल पे हैं, उनके बीच में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है, और कॉम्पिटिशन चल रहा है तो किस बेस पे चल रहा है, राइट। पहला तत्व ये हुआ, पहला एलिमेंट ये हुआ, फर्स्ट एलिमेंट इज द राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। सेकेंड, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जैसा मैंने बोला अभी हम ये देख रहे थे कि अभी जो बंदे काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कंपटीशन चल रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई क्या खतरा है कि दूसरा प्लेयर आ जाए नया, कि दूसरा प्लेयर बाहर के प्लेयर, राइट, कि दूसरे प्लेयर तो नहीं आ जाएंगे। तीसरा तत्व है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। जो लोग आपका माल खरीद रहे हैं, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कंज्यूमर्स, राइट, इनके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे पता लगाएं कि बार्गेनिंग पावर है या नहीं। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेना, राइट, मान चलिए एक फार्मा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, फार्मा, राइट, सन फार्मा का लेते हैं, नॉट अ रिकमेंडेशन वंस अगेन। मान लीजिए आप अपनी ग्रैंड ग्रैंड मदर के लिए दवाई लेने जा रहे हो, राइट, सन फार्मा ही बनाती है वो दवाई, ठीक है। लेट सपोज दवाई का प्राइस है 1000 और पर पैकेट, राइट, एमआरपी है। डू यू थिंक कि आपके पास कम कराने की क्षमता है? केमिस्ट वाले से बोलोगे, फार्मेसी से बोलोगे, भाई 1000 का छोड़ 800 में दे दे, कर पाओगे? कोई चांस नहीं है, राइट। हमने देखा है कि लोग दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सिंपल से बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि वो मोल भाव कर रहे हैं दवाई में, राइट। देर इज नो बार्गेनिंग एलिमेंट इन द फार्मा बिजनेस अनटिल एंड अनलेस कोई जेनरिक दवाई है। एंड आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग जेनरिक दवाइयाँ पसंद नहीं करते, उनको लगता है यार ठीक नहीं है ये, राइट। मैं भी नहीं ले रहा जेनरिक दवाइयाँ, लेकिन आप देखिए 90% ऑफ केसेस में जो स्पेशलाइज मेडिसिन है आपकी, तो उनमें आपके बार्गेनिंग पावर ऑलमोस्ट जीरो है। यू हैव नन, नो बार्गेनिंग पावर, राइट, बार्गेनिंग पावर है ही नहीं आपके पास। आप यू कैन नॉट गो आउट देयर एंड फार्मेसी वाले से बोलो भैया मेरा 5000 का दवाई का बिल बना है तो 4500 ले ले, नहीं होता भैया ऐसा, राइट। वी ऑल नो कि इट्स कॉमन सेंस, राइट। वंस अगेन मैंने बोला कि कॉमन सेंस ज्यादा यूज करेंगे, राइट। सो ये था आपका बार्गेनिंग पावर का। एक एग्जाम्पल और देता हूँ बार्गेनिंग पावर का, कि कैसे हम पता लगा सकते हैं। आईटीसी का एग्जाम्पल लेते हैं, आईटीसी का एग्जाम्पल देते हैं। ये लोग गोल्ड फ्लेक के सिगरेट बनाते हैं, मैं नहीं पीता लेकिन फिर भी शायद कितने की आती होगी एक सिगरेट, छोटी गोल्ड फ्लेक 15 रुपए की आती होगी आई थिंक, आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट अ स्मोकर। अगर आप करते हो तो नीचे कमेंट करो कि ठीक आती छोटी गोल्ड फ्लेक, लेट्स सपोज 15 की आती है, आई एम जस्ट रिज्यूमिंग। आप उससे बोल सकते हो तो 15 की नहीं भाई 10 की दे दे, बोलता है कभी? एक स्मोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता सिगरेट 15 की आ रही है या 10 की आ रही है, अगर उसे गोल्ड फ्लेक का स्वाद लगा हुआ है ना, वो गोल्ड फ्लेक पिएगा ही पिएगा, राइट। हेयर द बार्गेनिंग पावर इज जीरो, बार्गेनिंग पावर इज जीरो, राइट। गॉट माई पॉइंट कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बहुत कॉमन सेंस है, माइकल पॉटर की फाइव फोर्स से समझना, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ,
इस बार मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस का देता हूँ। आप बैटरी रिक्शा ले रहे हो, बैटरी रिक्शा ले रहे हो, राइट। टिपिकली आपके पॉइंट ए से मेट्रो तक जाने के लिए, राइट, ये लोग मेट्रो तक के लिए जाते हैं, जहां तक मैंने ज्यादा केस में देखा। पॉइंट ए से मेट्रो तक ले जाने में मैंने ज्यादा देखा है कि हमारे एरिया में ना 10 रुपये लेते हैं ये, राइट। और बहुत सारे रिक्शे वाले, कम से कम 25-30 रिक्शे वाले होते हैं ये, 25 रिक्शे वाले होते हैं, इनमें से कोई भी 10 रुपये से ज्यादा ले सकता है। डू यू थिंक अगर किसी ने बोला नहीं मैं 10 नहीं 20 रुपये लूंगा, आप बोलोगे नहीं भाई मैं दूसरे में चला जाऊंगा, क्योंकि मार्केट ने प्राइस ही सेट कर रखा है 10 रुपये पे। आपके पास यहाँ पे बार्गेनिंग पावर बहुत है। एक ने मना करा दूसरे पे चले जाओगे, दूसरे ने मना करा तीसरे पे चले जाओगे, राइट। और ये लोग पूरा मार्केट बेस्ड प्राइस लेते, वो हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, पढ़ेंगे आगे चल के, राइट। सो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल से कि आप बार्गेनिंग पावर कैसे एनालाइज कर सकते हो, राइट। तीसरा तत्व जो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, कि भाई सब्स्टिट्यूट मार्केट में ऐसा ही सेम प्रोडक्ट दूसरा है क्या। आप बहुत कॉमन सेंस लेना कि किसी भी कंपनी का एग्जांपल लो कि चलो अगर मैं गोल्ड फ्लेक नहीं पी रहा, अगर मैं गोल्ड फ्लेक नहीं पी रहा, मैं बीड़ी का बंडल ले सकता हूँ। अगर मेरा बजट बहुत ही कम है, मैं एक डे लेबरर हूँ, यस आप बीड़ी का बंडल ले सकते हो, राइट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आ जाएगा आपका, राइट, कि आप सेम एडिक्शन सेम स्वाद ले सकते हो। ऑलमोस्ट सेम तो नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि बीड़ी बहुत ही लो वैल्यू है, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है, राइट। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का चांस है ना, राइट। मान लीजिए आपको आपके घर में कॉफ़ी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी आपको कुछ पीना है, आपने बोला चलो चाय बना दो मेरे लिए, टी, राइट, टी बना दो। सो टी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफ़ी, राइट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर चलो कॉफ़ी नहीं मिल रही, चाय बना दो। आपको मन कर रहा है यार कोका कोला पीने का, लेकिन दुकान वाले पे कोका कोला नहीं है, आपने बोला भाई पेप्सी दे दे। ज़्यादातर केसों में होता है ये, बहुत कॉमन सेंस है। सो पेप्सी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोका कोला, राइट। सो ये है आपका सब्स्टिट्यूट, कि कितना थ्रेट है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसी दूसरे द्वारा। क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका और दूसरा बिक रहा है और कस्टमर को सेम यूटिलिटी मिल रही है दोनों प्रोडक्ट से, तो मेरे प्रोडक्ट की सेल डाउन चली जाएगी एज कम्पेयर टू सम अदर प्रोडक्ट, राइट। ये था आपका चौथा तत्व। पांचवा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। आपको जो माल प्रोवाइड करा रहा है माल प्रोवाइडर, उसके पास कितनी पावर है, राइट। ITC को अगर तंबाकू बेचना है, राइट, है तो टोबैको ही, तंबाकू ही है, आप उसको जला के फूक रहे हो, राइट, उनके पास कितनी पावर है, क्या लगता है ज्यादा होगी या कम होगी। ITC इज बिग कॉर्पोरेट, और जो तंबाकू के फार्मर है उनके पास ज्यादा पावर नहीं है, राइट। सो उनके पास पावर लो है या हाई है, ये देखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर इनके पास बहुत ज्यादा पावर हुई ना, आपके मार्जिन हिल जाएंगे, ये लोग तो बोलेंगे यार हम जो चार्ज करेंगे वो देना पड़ेगा आपको, एंड यू विल बी लाइक मैं कॉस्ट इन्फ्लेशन मेरा इतना है कि मेरे मार्जिन हिल गए, मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना हिल गया है कि मैं खत्म हूँ। सो ये पांच तत्व, मैं इनको पांच तत्व बोलना पसंद करता हूँ, पंच तत्व जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पंच तत्व, फाइव एलिमेंट्स दैट अफेक्ट्स एनी इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एंड राइवलरी अमंग ईच अदर। ये पांच चीजें किसी भी इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकती हैं या तो बना सकती है। सो दिस वॉज द पॉटर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आई बिलीव मैं आपको PPT प्रोवाइड कराऊंगा और ये सारे पॉइंट्स आप खुद देखेंगे, राइट। कंसिडर दिस एज योर होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल पे आते हैं। देखिए इंसानों के लाइफ साइकिल की तरह कंपनीज की भी लाइफ साइकिल होती है और इंडस्ट्री की भी लाइफ साइकिल होती है। कि किसी भी कोई भी इंडस्ट्री किस स्टेज पे चल रही है ये जानना बहुत जरूरी है। अ डाइंग इंडस्ट्री विल नॉट बी गिवन अ ग्रेट ग्रेट ग्रोथ रेट फॉर द वैल्यूएशन एंड इक्विटी रिसर्च प्रोसेस। जब आप ग्रोथ रेट एस्टिमेट करोगे वैल्यूएशन मॉडल के लिए, जो मैं वैल्यूएशन सीरीज जल्द लाऊंगा, उसमें आप इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल को मद्देनजर रखते हुए ग्रोथ रेट देना देना, राइट, कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या होने वाला है भाई, उसके बेसिस पे
मैं ये देखना चाहता हूँ कि कंपनी किस वे में ग्रो करेगी और किस तरीके से मैं इसको वैल्यू करूँ, राइट? सो दिस इज द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टेज वन आपका इंडस्ट्री का, स्टेज वन फ्रॉम आइडिया टू बिजनेस, राइट? कि आपके पास अभी आइडिया है और अभी बिजनेस बन रहा है। यंग स्टेज टू, यंग ग्रोथ, बिजनेस स्केल हो रहा है, राइट? हाई ग्रोथ, तीसरा, अब बिजनेस यहाँ पे अप एंड रनिंग है, राइट? पूरी इंडस्ट्री अच्छे से कर रही है, राइट? मैच्योर ग्रोथ, अब थोड़ा सा ग्रोथ स्टेबल है, ग्रोथ इज स्टेबल, राइट? मैच्योर स्टेबल, अब जो है थोड़ा बुढ़ापा आ रहा है इंडस्ट्री का, राइट? इंडस्ट्री इज ओल्ड। स्टेज सिक्स, डिक्लाइन, एवरी कंपनी इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री डाइज। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हर एक स्टेज में। आइडिया टू यंग ग्रोथ में वो किसको डालेंगे अभी? कार्बन क्रेडिट्स को, राइट? राइट। स्टार्टअप फेस में किसको डालेंगे अभी? जितने भी हमारे न्यू एज कंपनीज हैं, काफी सारों का आईपीओ भी आ रहा है, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं बहुत बेकार बेकार वैल्यूएशन में, न्यू एज कंपनीज। यंग ग्रोथ में हम डालेंगे कार्बन क्रेडिट्स को, हाई ग्रोथ में ईएमएस को डाल देते हैं, मेच्योर ग्रोथ में किसको डाल सकते हैं हम? सिंपल सा, जितना भी आपका आईटी कंपनीज है, राइट? इनकी ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी, इनका नीड ही ऐसा है। मेच्योर स्टेबल एफएमसीजी, डिक्लाइन आपका न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स एंड प्रिंट मीडिया। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आपको और एग्जांपल पता है तो मुझे बताइए। अभी मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं कोई तैयारी करके बैठा नहीं हूँ, मैं बस सीधा लेके वीडियो बना देता हूँ। मैं पीपीटी भी नहीं देखता, मेरी पीपीटी कोई ऑलरेडी करता है, राइट? हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट करता है। सो ये है आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, राइट? अंडरस्टैंडिंग वेयर द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड वेयर द इंडस्ट्री इज सुपर क्रूशल, कि भाई अगर आप ये नहीं जानोगे तो यू आर स्क्रूड। यहाँ पे मैंने देखिए मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का, जब आप ब्लॉग्स पढ़ोगे, राइट? इनका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, आई हाईली रिकमेंड एवरी वन टू रीड इट। सो किसी भी कंपनी का ये समझ लेना कि किस एरिया में आपको क्या चीजें देखनी है, राइट? आप फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो क्या होता है जाके देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली वीडियो, पता लग जाएगा, राइट? इंडस्ट्री का जो फंडामेंटल्स है उसको अपने लाइफ साइकिल से कंपेयर करना, राइट? कि भाई इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल अभी क्या चल रही है और मैं क्या चीज देख रहा हूँ। अगर आप कोई नैसेंट स्टेज में, जैसे ईएमएस है, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही हाई ग्रोथ रेट कंपनी है, अगर आप इसको बोलोगे भाई मुझे फ्री कैश फ्लो टू द फर्म निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाएगा, राइट? सो अर्निंग्स एंड एफसीएफएफ अर्निंग कैपेसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर द इंडस्ट्री लाइज इन द स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, राइट? कि किस इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री किस लाइफ साइकिल में है, वो मैटर करता है। एंड आई हाईली सजेस्ट यू ऑल टू रीड दिस ग्राफ ओवर एंड ओवर अगेन, राइट? अब हम जानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर जानने से पहले मैं आपको कुछ सोर्सेज बता दूं जिससे आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका रिसर्च 360 बाय मोतीलाल ओसवाल, कैसे आना है इस पे? सिंपल से टाइप कीजिए रिसर्च 360.in, वेबसाइट आ जाएगी इनकी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको अपना अकाउंट बनाना है, राइट? वेबसाइट पे आके, फ्री अकाउंट है, कुछ भी पैसे नहीं देने, बहुत अच्छा रिसर्च रिपोर्ट देते हैं। रिसर्च रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए हर कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट है फ्री में। यहाँ पे देखिए ये कंपनीज हैं। अब आपको सेक्टर रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए सेक्टर रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल्स की है, जनरल इंश्योरेंस की है, कैपिटल मार्केट्स की है, ग्लोबल मैक्रो सिनेरियो की भी है, मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की रिपोर्ट देखते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। कैन यू सी कि यू हैव लिटरली अराउंड 50+ पेजेस ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए पूरी इंडस्ट्री की रिपोर्ट आपको फ्री में मिल रही है, राइट? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल इज़ द बेस्ट रिसोर्स, बहुत ही भयंकर लेवल की रिसर्च करते हैं ये। सो यहाँ पे देखिए पूरी इंडस्ट्री रिपोर्ट आपको है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या ग्रोथ रेट है। देखिए 32% का ग्रोथ रेट आप देखा ना, इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री केगर ऑफ 32.5% कि अगले 5 साल का केगर है 32.5%, बहुत ही हाई ग्रोथ रेट इंडस्ट्री है, राइट? सो यहाँ से आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है, यहाँ पे एक रिसोर्स ये हो गया आपका इंडस्ट्री एनालिसिस का। दूसरा मैं बता रहा हूँ, मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको रिसोर्सेज दे रहा हूँ, राइट? दूसरा है आपका,
यहाँ पे देखिए कंज्यूमर की भी रिपोर्ट मैंने देखी, कंज्यूमर गुड्स की, एफएमसीजी की, राइट, पूरा ग्रोथ है, सब कुछ दे रखा है। दूसरा है आपका IBEF, ये भी बहुत अच्छी है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है मुझको। एफएमसीजी यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सारी इंडस्ट्री मिल जाएगी, बैंकिंग है, केमिकल्स है, राइट, यहाँ पे देखिए ग्रोइंग डिमांड अपॉर्चुनिटीज, सो पूरा ये आपको ऑल इन ऑल ऑल राउंड आपको रिपोर्ट ला के देंगे। और इंडस्ट्री रिपोर्ट है, जब आप लॉग इन करोगे तो आप रिपोर्ट भी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। सो एक ये, सो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ये दो रिसोर्सेज आपके पास ऐसे हैं कि आप इजीली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही रहें, अभी आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ना जाएं, क्योंकि आसानी रहेगी, राइट। सो ये दो सोर्सेज ऐसे हैं जो मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज करता हूँ। पर्सनली मैं मोतीलाल ओसवाल को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आई पर्सनली लाइक द पर्सनली लाइक मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी, राइट। सो मैं तो चाहूंगा कि आप एक ही कोई सोर्स पिक करो और उसी के साथ साथ स्टिक करो, क्योंकि जितने मुंह उतनी बात है, जितने एनालिस्ट उतने एस्टिमेट्स, राइट। सो आई पर्सनली प्रेफर कि आप मोतीलाल ओसवाल के साथ ही रहे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर और सभी को हम समराइज करेंगे, राइट। चलिए, ये कोई इकोनॉमिक क्लास नहीं होने वाली, मैं आपको बोर नहीं करने वाला ग्राफ दिखा करके, लेकिन मैं बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली क्या होती है भाई? पूरा मार्केट शेयर एक कंपनी ने डोमिनेट कर रखा है। एग्जाम्पल गूगल, सर्च इंजन का सारा मार्केट शेयर इन पे है, राइट। अभी रिसेंटली बोल रहे थे ओपन एआई इनको खा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आई डो नॉट बिलीव कि गूगल का मोट आप बिगाड़ पाओगे। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपॉली, ड्यूओपॉली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। चलिए सबको देखते हैं मोनोपोली स्ट्रक्चर। देखिए मोनोपोली स्ट्रक्चर क्या होता है ना, इट्स अ स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ओनली वन प्लेयर हु डोमिनेट्स द मार्केट, राइट। आईटीसी है सिगरेट बिजनेस में, ये पूरा जो स्मोकिंग एरिया है वो आईटीसी ने डोमिनेट कर रखा है। इनके पास इतने सारे ब्रांड्स हैं, जब आप जाओगे आईटीसी के जितने भी स्मोकर फ्रेंड्स हैं मेरे, जो आप सिगरेट पी रहे हो ऑन डेली बेसिस, आई एम श्योर कि उसमें से आधे से ज़्यादा सिगरेट आईटीसी बनाता है, क्योंकि इनके पास अराउंड 70 to 80% मार्केट शेयर है, राइट। देयर कैन बी अदर प्लेयर्स टू, बट द कॉम्पिटेटिव फोर्सेज आर सच दैट द मार्केट लीडर हैज़ अ सुपर प्राइसिंग पावर, राइट। प्राइसिंग पावर कहाँ से आती है? आपकी मोट से, जो मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग कॉस्ट लीडरशिप और आपको डिफरेंशिएशन, ये दो चीज़ें आपका प्राइसिंग पावर डिपेंड करती है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस प्राइसिंग पावर इज सुपर क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द मोनोपोली स्ट्रक्चर, राइट। सो आईटीसी अगर बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है सिगरेट्स का, क्योंकि सिगरेट को बनाने में कितना खर्चा आता होगा, राइट। सो उनके पास यूनिट इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, राइट। और उनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल पावर है, उनके पास ब्रांड रिकॉल इतना अच्छा है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है और मार्केट शेयर उन्होंने गेन कर रखा है। सो दिस क्रिएट्स अ ह्यूज प्राइसिंग पावर एंड एंट्री बैरियर फॉर आईटीसी। सो दिस वाज द मोनोपोली स्ट्रक्चर। मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर देखते हैं। अ कॉम्बो ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन पाएंगे, लेकिन अभी ये समझिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, सेलर्स कम्पीट अमंग देम सेल्स एंड कैन डिफरेंशिएट देयर गुड्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड ब्रांडिंग टू लुक डिफरेंट। बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे, लेकिन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के थ्रू दे आर डिफरेंशिएटिंग देम सेल्स। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के थ्रू दे आर डिफरेंशिएटिंग देम सेल्स, राइट। एग्जाम्पल टूथपेस्ट इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री आपकी ऐसी है कि भाई इतने सारे टूथपेस्ट हैं, पतंजलि का है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, राइट। टूथपेस्ट देखिए सेम ही काम करेगा, ऐसा तो है नहीं कोई रातों रात आपके दांत चमका देगा, राइट। लेकिन फिर भी हर एक ब्रांड अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है, अलग अलग तरीके से ब्रांड कर रहा है खुद को। सो हमारे मन में भी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये वाला ब्रांड ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड। सो दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन सेलर कंसिडर द प्राइस चार्ज बाय देयर कॉम्पिटिटर एंड इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ देयर ओन प्राइस ऑन देयर कॉम्पिटिशन। देखिए अगर पेप्सोडेंट 100 रुपये चार्ज कर रहा है 100 ग्राम के टूथपेस्ट पे,
कोलगेट इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक है आफ्टर अ सर्टेन प्राइस पॉइंट। इसको हम इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है, राइट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आप CFA का प्रिपेयर कर रहे तो आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में है कि एक प्राइस के बाद ना डिमांड जो है वो हिलने लगती है, कि अगर आपने एक प्राइस क्रॉस किया तो वो नीचे चली जाएगी, राइट? और ये मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि भाई दूसरा बंदा क्या चार्ज कर रहा है। कि अगर दूसरा बंदा 100 रुपये चार्ज कर रहा है ना, मुझको भी 100 रुपये ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है कि अगर मैंने कुछ बढ़ाया ना, मेरी डिमांड गिर जाएगी, मेरी सेल्स कम हो जाएगी और बाकियों की चलती रहेगी, राइट? वेन कंपेयर मोनोपोलिस्टिक कंपनी इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, देर आर टू डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट देर ऑब्जर्व्ड। लेट अस सी। अब आता है आपका ऑलिगोपॉली स्ट्रक्चर। एंड ऑलिगोपॉली मार्केट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज, दो या तीन कंपनीज होती हैं बस बड़ी बड़ी, और पूरा मार्केट उन्होंने डोमिनेट कर रखा होता है। इनके पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती। एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री, कितने प्लेयर हैं? केवल तीन प्लेयर हैं, जियो है, एयरटेल है एंड वोडाफोन। वोडाफोन तो ऑलमोस्ट डेड है, दे आर ऑलमोस्ट डेड। जियो डोमिनेट कर रहा है, एयरटेल डोमिनेट कर रहा है। जियो ने ऑलमोस्ट एयरटेल को नॉकआउट कर दिया था, लेकिन एयरटेल समहाउ स्टक विद देम, राइट? कि एयरटेल ने किसी तरह अपना मार्केट बचाए रखा, कंज्यूमर्स को अपने पास से जाने नहीं दिया, और वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में। इवन दो इंडस्ट्री डायनेमिक्स पूरे बदल चुके हैं 2016 के बाद जब से जियो एंटर हुआ, फिर भी जो ऑलिगोपोली स्ट्रक्चर है वो आपको ROC अर्न करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करता। जब आप जाके एयरटेल का ROC देखोगे, कुछ खास नहीं है, कंपनी में कुछ बचा नहीं है, राइट? ऑन दी अदर हैंड, अ प्राइस इंक्रीज में इन्फ्लुएंस अदर्स नॉट टू टेक एनी एक्शन इन एंटिसिपेशन, कंज्यूमर विल नॉट ऑप्ट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा जब तक जियो ने प्राइस नहीं इंक्रीज करे थे, एयरटेल भी अपने उसी सेम प्राइस पर अटका रहा, राइट? जैसे ही जियो 700-800 के लेवल पे पहुंचा, एयरटेल भी 700-800 के लेवल पे पहुंच गया, राइट? सो ये होता है आपका ऑलिगोपॉली स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज है जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटरनेट चलाना है, इट डजेंट रियली मैटर कि आप जियो का चला रहे हो या एयरटेल का चला रहे हो, राइट? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि यार सिग्नल किसका अच्छा था, यार ब्रांड कौन सा अच्छा है। सो ये है आपका ऑलिगोपॉली स्ट्रक्चर। ड्यूओपॉली स्ट्रक्चर, जहाँ पे केवल दो बिजनेस होते हैं, ड्यूओपॉली में टू, सेम एज ऑलिगोपॉली मार्केट। एग्जाम्पल दूं मैं, CDSL एंड NSDL, ये तो कंपनी इंडिया की मेन डिपॉजिटरीज हैं, जो डोमिनेटिंग है वो 75% मार्केट शेयर के साथ है। CDSL 75 से भी ज़्यादा ही आई थिंक, और जो NSDL है वो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है उनका। वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, इवन तो CDSL में मेरा इन्वेस्टमेंट है। सो CDSL का जो बिजनेस है वो ये है कि भाई हम सबके जितने भी डीमैट्स हैं ना, वो इन्हीं के साथ जुड़े हुए होते हैं 90% ऑफ द टाइम, राइट? इवन तो मोतीलाल ओसवाल का जो है NSDL के साथ है, लेकिन जीरोधा का, ग्रो का, इन सब का CDSL के साथ है। सो दिस इज द थिंग अबाउट ड्यूओपॉली स्ट्रक्चर, कि दो ही प्लेयर होंगे और आपस में डोमिनेट करेंगे एक दूसरे को। फिर आता है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो सबसे आसान है समझना। जैसा मैंने आपको पिछली 2-3 मिनट पहले आपको बताया था ना ई रिक्शा का, कि बहुत सारे ई रिक्शाज हैं, कोई भी ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा, राइट? वो है परफेक्ट कंपटीशन का एक एग्जांपल, कि इतने सारे प्लेयर हैं मार्केट में कि कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। परफेक्ट कंपटीशन अकर्स व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज कंपीटिंग कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज इज द कीवर्ड हियर, बहुत सारे हैं, कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, राइट? सो दिस इज द थिंग अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट? सो यहाँ पे आप देखिए, जब मैं बोलूँ लार्ज कंपनीज, जस्ट अ सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स सब एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, कंपनीज कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, कि भाई अगर आपके पास इतने सारे प्लेयर हैं, जो माइकल पॉटर के फाइव फोर्सेस का एनालिसिस किया था हमने, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट गोज अप इन द स्काई, दे सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, होमोजीनियस बोलते हैं,
लैक प्राइस इन्फ्लुएंस, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, ओवर द कमोडिटीज, कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, इट्स लाइक आटा दाल चावल बेचना, एंड आर फ्री टू एंटर और एग्जिट द मार्केट। ये सारे फीचर्स हैं आपके किसके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, राइट? कि अगर आप कर रहे हो कॉम्पिट एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, देन यू आर स्क्रूड क्योंकि आपके पास इतने सारे कॉन्स हैं। सच मार्केट्स आर इन सो वेल क्रिएटिंग एज एनी वन विद लिमिटेड रिसोर्सेज कैन एंटर एंड डिस्ट्रॉय द होल इंडस्ट्री। देखिए बहुत ही बेकार एग्जाम्पल दिया मैंने, इवन तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक है कि आप इकोनॉमिक्स आप रोजमर्रा की चीज़ों से भी सीख सकते हो, कोई आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप ई रिक्शा चला रहे हो, राइट, मतलब बोल रहा हूँ मैं, बस ई रिक्शा चला रहे हो, अगर मैं भी ई रिक्शा लेकर आ गया, आपका मार्केट खत्म है, राइट? क्या फर्क पड़ जाएगा आपके ई रिक्शा में और मेरे ई रिक्शा में, राइट? अगर हम सब ये जो वीडियो देख रहे हैं, हम सब ई रिक्शा लेके आ गए, हम सबके प्रॉफिट हिल जाएंगे, राइट? क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, भगवान ना करेगा अभी ऐसी नौबत आए, लेकिन ये है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए वैसे। बिजनेस साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने बोला इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, वैसे ही एक बिजनेस भी वर्क करता है। बिजनेस साइकिल्स, ओ जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टर्न ऑन माई हाईलाइटर। बिजनेस साइकिल्स देखिए क्या होती है, आर अ टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन फाउंड इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ नेशन, अ साइकिल दैट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंशन अकरिंग एट अबाउट द सेम टाइम इन द मैन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉलोड बाय सिमिलरली जनरल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें कवर हुई हमारी, क्या कवर हुई हमारी, आप देखिए यहाँ पे एक हुई है आपका कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा हुआ है आपका रिसेशन। रिसेशन के बारे में बात हुई है और दूसरा आपका एक्सपेंशन के बारे में, राइट? तीसरा आपका एक्सपेंशन के बारे में, राइट? सो ये जो एक्सपेंशन आता है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो पूरा ये जो एक्सपेंशन आता है, ये पूरा आपका होता है बिजनेस साइकिल की। कभी इकोनॉमी ऊपर जाती है, कभी इकोनॉमी नीचे आती है। इसको एक चार्ट से समझते हैं तो आपको ज्यादा बेटर से समझ आएगा। देखिए ये मैंने पे एक इन्वेस्टोपीडिया से लिया है। देखिए कभी भी इकोनॉमी को समझने के लिए ये समझिए कि कभी भी लाइफ ना स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, राइट? आपने सुना होगा कि भाई लाइन देखिए लाइफ की, आपकी पूरी ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आप ओवर द लॉन्ग रन ऊपर जरूर जाओगे, राइट? अगर आप मेहनत करो तो। वैसे ही आपका जीडीपी के साथ है। जीडीपी कितना होता है कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ मार्केट। इसको हम इनकम अप्रोच से भी कर सकते हैं और एक्सपेंडिचर अप्रोच से भी कर सकते हैं, राइट? इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, राइट? बेसिक इकोनॉमिक लेसन है। कभी हम ऊपर जाते हैं, राइट, पीक, फिर हम पीक से नीचे गिरने लगते हैं, रिसेशन। रिसेशन अगर इतना चला गया कि जीडीपी आपकी बहुत नीचे चली गई, फिर आता है आपका डिप्रेशन, जॉब लॉसेस, स्टॉक मार्केट क्रैश, राइट? और क्या, आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है, स्पेंडिंग आपकी बहुत नीचे गिर गई, राइट? ये है आपका ट्रफ, सबसे नीचे का एरिया, राइट? बिल्कुल ही जीडीपी नीचे गिर चुकी है। फिर हम वहां से ऊपर करते हैं, कमबैक करते हैं, रिकवरी, आप ऊपर उठ रहे हो, राइट? फिर आप वापस उठ रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, फिर आपका पीक। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है ओवर द लॉन्ग रन। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और दूसरी बुक है एक रे डैलियो सर ने लिखी थी, द बिग डेट क्राइसिस आई थिंक। और उन्होंने भी एक और रिसेंटली बुक लिखी है, आप उसको देखते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, रे डैलियो की बुक। आपको बिजनेस साइकिल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देंगी। सो ये समझना हम पूरी साइकिल में कहाँ पे हैं, ये बहुत जरूरी है। मास्टरिंग द मार्केट साइकिल बाय वर्सेस नेम हॉवर्ड मार्क्स, उनकी बुक बहुत अच्छी है, मास्टरिंग मार्केट साइकिल। बिजनेस साइकिल पे मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी भी आ जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाती है, कौन सी पॉलिसी कब किस एरिया में हमें अप्लाई करनी है वो भी बहुत मैटर करता है, राइट? सो ये समझिए कि अब हम कहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से अभी हम रिकवरी फेज में हैं, इंडिया जो है अभी करंटली रिकवरी फेज में है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में, राइट? सो दिस वॉज द एंटायर थिंग अबाउट द इंडस्ट्री एनालिसिस। जल्दी से रिकैप करते हैं बिफोर वी क्लोज आउट टुडे सेशन। क्या क्या देखा हमने, फाइव फोर्सेस को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट? माइकल पॉर्टर की जेनरिक स्ट्रैटेजीज हैं, पॉर्टर की स्ट्रैटेजीज, फिर हमने मोड देखा और हमने इंडस्ट्री को समझा। ये बुक मैं आपको
पीडीएफ के तौर पे गिफ्ट करना चाहूंगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो, राइट? प्लीज टू कमेंट बिलो। एंड वंस अगेन फोक्स, दिस वॉज इट। आई होप आपको पसंद आया। अगले वीडियो में हम रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। बहुत हो गया, राइट? एंड इसके साथ आई एम साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।